इमेजिन जो शख्स फजर की नमाज ही नहीं पढ़ता और रोजाना ही 8 बजे 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, वो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, उसकी जिंदगी में क्या खैर और बरकत, और क्या वो अल्लाह से क्या खैर उम्मीद कर सकता है वो, और वो क्यों अपने आप को ऐसे लोगों में शामिल कर रहा है जिसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि वो शख्स काफिर है जो नमाज नहीं पढ़ा, यानी इस पर तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि जो शख्स नमाज का इनकार है वो तो काफिर है, ठीक है, इसमें तो इख्तलाफ किसी का, जो इसमें तो इजमा है पूरी उम्मत का। इख्तलाफ इस पे है कि जो शख्स नमाज पढ़ना चाहता है बट नहीं पढ़ा, कुछ उलमा कहते हैं कि ये काफिर है, इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, इसको इसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, इसको गुस्सा नहीं दिया जाएगा, और उलमा तो ये भी कहते हैं कि इसको जब इसकी मौत हो ना तो दूर किसी सहरा या दूर किसी जगह में गढ़ा खोद के इसको वहां फेंक के आ जाया जाए। और दूसरे लोग क्या कहते हैं कि क्या ये बड़ा नेक इंसान है? नहीं, जो इख्तलाफ है वो है कि ये बहुत बड़ा काफिर नहीं तो फाजिर है। दूसरे जो उलमा कहते हैं कि ये फाजिर है, बड़ा गुनाहगार है। ऐसी मजीद इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MBZ Official सब्सक्राइब करें।